योग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारे गुरु सवारी साध सिंह जी आओ सब तो पहला रसना नू करिए पवित्र महाराज के चरणों के सारे रल के हाजरी लवाइए तुहानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए गज के आख्यो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जो असी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं आप सब जुड़ के बैठे हो महाराज की गोद दे विच सारिया ने रल के महाराज अगे बेनती करनी है कि गुरु साहब कि सानू सिखी से ओ सिदक ओ भरोसा बख्शिश करियो क्योंकि सत ते नौ साल की उम्र दे विच सिखी सिदक भरोसे की जिहड़ी मिसाल छोटे साहिबजादियां ने काम कीती है
किते महाराज कृपा करन सानू भी वह सिखी भरोसा बख्शिश करन सानू भी ओह जी चढ़दी कला बख्शिश करन ते यही असी सारे ने अरदास करनी है महाराज दे अगे कि सानू इसे तरह नाम बाणी दे नाल सच्चे पातशाह जोड़ के रखियो बेनती करनी है संगत दे चरणा विच कि 31 दिसंबर नू जिवें पहला दी तरह समागम रैण सबाई कीर्तन हुंदा है सारी संगत इसे तरह जुड़ के जो नवा साल है अंग्रेजी महीनिया का वह जदों चढ़ना है इस तरह रल के सारे असी गुरबाणी का लाहा लईए बेनती है कि उदों भी सारिया ने इस तरह जुड़ना है सो आओ हुण असी बेनती करिए महाराज के चरणा विच करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी हो वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुको काहे को मारे कि सच्चे पातशाह वो 7 ते 9 साल की उम्र दे विच जो मिसाल छोटे साहबजादियां ने कायम कीती है गुरु दे वल मुख कीता है उन्होंने जिहड़ी गुरु की सिख्या ते अमल कीता है महाराज साडे ते भी करियो कृपा कि साडे वालों कदी तुहाडी पिट ना होवे सच्चे पातशाह ये असी सारिया ने रल के बेनती करनी है सारी संगत के चरणा च बेनती है कि जिन्ना हो सके नालों नाल बाणी के दर्शन करिए ते नालों नाल जिन्ना हो सके सारे मिल के गा के सारे बोल के महाराज के अगे बेनती करिए करवत भला न करवत तेरी लाग गले सुन बिनती में सारिया ने रल के जोदड़ी करनी है महाराज के चरणा विच करवत भला ना करवत तेरी लाग गले सुन बिनती करवत भला ना करवत तेरी लाग लाग गले सुन बिनती मेरी लाग गले सुन बिनती मेरी करवत भला न कर
Yeah.
सच सुन ले हो सब है सच सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो
ख्याल सुबह
चरणा च बेनती है कि यह महाराज की बख्शिश ही है कि इन्हों शहादत करके इन्हों कुर्बानिया करके ही अज असी सजे बैठे हाँ। नहीं तो एक समा वो सी किसी नूं दस्तार सजाउण दा हुक्म नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिश की थी कि मेरा कला कला सिंह शस्त्र भी सजा के रखेगा, दस्तार भी बन के रखेगा, तो राजा वांगू रहेगा। तो ये महाराज ने करके भी दिखाया, पर इहदी जिहड़ी कीमत सी ये बहुत वड्डी सी। बेअंत सिंह सिंघणिया ने शहादत दित्तियां ने, जिन्हां की कृपा करके उन्हां शहादत करके असीं अज सजे बैठे हाँ, तो समागम कर रहे हाँ। बेनती है सारी संगत के चरणा च कोई रसना वांझी ना रवे, अखां दे अगे वो दृश्य लैके आओ, वो सीन लैके आओ कि जदों छोटे साहबजादे दीवारां दे विच खड़े ने, जदों दीवारां दे विच चिणिया जा रहा है तो वो जयकारे ला रहे ने। सो बेनती है सारे उस समय नूं सामने लियाओ ते सारे करो कृपा, कोई रसना वांझी ना रवे, सारे ये तुक पढ़िए। इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। सारे करियो कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम है, इन्हीं की कृपा के करो कृपा सारे। Yeah।
पिछले समागम में ही संगत वालों हुक्म होया सी कि छोटे साहबजादियां दी शहीदी दे उत्ते उस दिहाड़े दे उत्ते जिहड़ी उह घोड़ी छोटे साहबजादियां दी उह जरूर पढ़नी है। सारे मनोदर्तियां नूं करो एकागर, उह समां अपनी अखां दे सामने लैके आईए जदों ठंडे बुरज दे विच माता गुजर कौर ते नाल दोवें छोटे साहबजादे ठंडे बुरज दे विच कैद ने ते जल्लाद उहनां नूं लैण आए ने ते धन माता गुजर कौर जिन्हां नूं पता सी कि अज शहीदियां हो जाणियां ने ते उहनां ने उही जो जोड़ा संभाल के रख्या सी छोलियां दा जोड़ा बड़े सुंदर वस्त्र शस्त्र दे नाल कलगियां ला के दमालियां दे उत्ते बड़े सोहणे लाल सजाए ने कि अज मौत लाड़ी नूं व्याहुण चले ने ते उह चलण वेले दा जो एक सीन है वह बड़ा सोहणा लिखा है किसी ने। सारे करियो कृपा, सारे रल के पढ़िए। सारी संगत करो कृपा नाल ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे जोरावर फते सिंह घोड़ी चढ़े जोरावर फते सिंह गंगू राम विचो
हथी ते से ने फड़े ते से ने फड़े जोरावर फते सिंह ओड़ी चढ़े जी जोरावर फते सिंह ओड़ी चढ़े जिंदा इट्टा लाड़ी दी सहेली वांगू रोण लगिया इट्टा लाड़ी दी सहेली वांगू रोण लगिया इट्टा बहुटी मौत नू सजावे सुचा नंद गारा पावे बहुटी मौत नू सजावे पैड़िया जलदा हीरे कंदा च जड़े पैड़िया जलदा हीरे दास ने पिछले समागम विच भी बेनती कीती सी कि इहो जे समागम जदों सी शहीदी दिहाड़े मनाउंदे हाँ या गुरपुरब मनाउंदे हाँ ये फिर ही सोभदे ने जे असी उस गुरु साहिब दी दित्ती होई सिक्ख्या ते अमल करदे हाँ जो महाराज ने सानू सिखाया जो गुरु साहिब ने सानू हुक्म कीते ने जे असी उहनां ते पूरे उतरदे हाँ जिवें छोटे साहिबजादियां ने या वड्डे साहिबजादियां ने होर बेअंत सिंह सिंघणियां सिखी दे उत्तों उन्हां ने शहादतां दित्तियां ने सिखी दे बूटे नूं कायम रखण लई सिखी दे इस बूटे नूं हरिया भरिया करन दे लई शहादतां दित्तियां ने उसे तरह असीं उन्हां शहादतां नूं याद कर सकीए तां असीं इह दिहाड़े मनाउंदे हाँ आ हुण जे इक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि जिहड़े बच्चे आ उहनां नूं क्रिसमस दा तां पता है पर शहीदी दिहाड़ियां दा नहीं पता ते पता भी कित्थों होणा जे असीं दसांगे तां बच्चियां नूं पता लगणा है ये साडा फर्ज है ये बच्चियां नूं तां असीं ही दस सकदे हां बच्चियां नूं नहीं पता लगणा दास नूं याद आ कि पहलां जदों असीं क्राइस्ट चर्च आए सी
ते जिदा इत्थे लंगर हाल दे विच शहीदां दीआं तस्वीरां लगियां ने उसे तरह उत्थे भी गुरद्वारा साहब लंगर हाल दे विच इसे तरह शहीदां दीआं तस्वीरां लगियां ने ते उत्थे ऐतवार दा जदों समागम होके हटिया ते संगत लंगर छकदी सी ते छकण तों बाद कुछ परिवार जिहड़े उत्थे बैठे रह गए ते उहनां विचों इक छोटे जिहे बच्चे ने उठ के पुछिया तस्वीर सी भाई मती दास जी दी होर भी सिंघ जिहड़े देगां दे विच उबलदी उह भी तस्वीर आरे नाल चीरदिआं दी तस्वीर भाई मनी सिंह जी दे बंद बंद कटदिआं दी तस्वीर ते उह बच्चे ने पुछिया अपनी मां नूं साढ़े सामने दी गल है कि ये ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਡਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਵਾਈਏ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਕੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਈਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੂਈਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੋਭਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ
गए मशक्कत खेती